का स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीति शर्मा। आज हम हरी मूंग दाल का चीला बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लेकिन जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये मैंने 2 कप हरी मूंग की दाल ली है, छिलके वाली। इसको मैंने 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। इसका मैंने पानी निकाल लिया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे। इस दाल को हम इस जार में डालेंगे। इस दाल में हम 4 हरी मिर्ची डालेंगे, 1 अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। पीसने से पहले 2 चम्मच इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब इसको पीसेंगे। दाल को हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। दाल को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको ऐसे ही बर्तन में रोस्ट करके हाथ से क्रश कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। ये मेरे पास 8-10 कड़ी पत्ते हैं, इनको भी हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। 1 चुटकी हींग पाउडर इसमें डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, जैसे चीले का बैटर होता है उस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। अब तवे को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और इसको एक कपड़े से पोंछ लेंगे। तेल हमारा, वो तवा हमारा गरम हो गया है। जो बैटर हमने तैयार करके रखा था उसको हम तवे पर फैलाएंगे। थोड़ा सा तेल हम किनारे पर डाल देंगे। चीला हमारा एक साइड से सिक गया है। अब इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी देखेंगे। अब ये दूसरी साइड से सिक रहा है। चीला अब दोनों तरफ से सिक गया है। फिर से हम इसे उल्टी साइड से करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर फैलाएंगे। ये मैंने हरा धनिया काट लिया है और हम पनीर को भी कद्दूकस करके इसके ऊपर फैलाएंगे। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम और चीले तैयार कर लेंगे। ये हमारा दूसरा चीला भी तैयार हो गया है। ऐसे ही हम और चीले तैयार करेंगे। अब इसे सर्विंग प्लेट में रखेंगे। अब हम इसे हरी चटनी टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। लीजिए, हमारा हरी मूंग दाल का चीला बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में भी इसे बना सकते हैं।